हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चिकन गार्लिक रोस्ट की एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन। ये बोन वाले चिकन हैं, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, और हमें चिकन के पीसेस इतने बड़े ही रखने हैं। तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से धुल लिया है। सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे, इससे चिकन का स्वाद और अच्छा आएगा। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटे चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच से कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक नींबू का रस। और अब इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो हमने चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम लोग इसे 15 मिनट तक फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। हमने यहाँ पे लिया है कुछ खड़े मसाले, जैसे कि आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच खड़ी धनिया, आधा चम्मच जीरा, ढेर सारी लहसुन। और हमने यहाँ पे लिया है दो स्मॉल साइज़ की प्याज, जैसे बारीक काट लिया है। अब हम लोग गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और सबसे पहले खड़े मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। तो कढ़ाई यहाँ पे गर्म है, तो अब इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले और इसे हम लोग रोस्ट कर लेंगे। तो खड़े मसाले हमने रोस्ट कर लिए हैं, अब इन सबको पीस लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है, इसमें हमने अदरक को पीसा था, तो इसमें ये खड़े मसाले भी डाल देते हैं और लहसुन भी, अब इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए इसका पेस्ट तैयार है और 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। तो अब हम लोग गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हमने डाला है 1/4 कप सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा यहाँ पे गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को मीडियम फ्लेम पे हल्का लाल होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो प्याज हमारी यहाँ पे भुजा गई है, अब इसमें डाल देते हैं पेस्ट और इसे भी हम लोग 1 से 2 मिनट तक भूज लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गया है, अब इसमें चिकन डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, इसे ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो चिकन हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है और अब हम लोग इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, हमने पहले भी नमक डाला है। और हमने डाला है आधा चम्मच गरम मसाला, एक नींबू का रस। अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे से भूज लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे धनिया के पत्ते, मिलाएंगे और यहाँ पे हमारा चिकन गार्लिक रोस्ट बनके तैयार है। तो अब करेंगे गैस का फ्लेम ऑफ, चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन गार्लिक रोस्ट खाने के लिए तैयार है। ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, बनाने में आसान है, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।